नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन एक्टिंग के इस सेशन में। आज मैं बात करूंगा, आप जो फोटोग्राफ्स भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में, आप कहते हैं कि ये मेरे फोटोग्राफ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूं कि फोटोग्राफ से ही एक्टर नहीं बनते हैं, आपके लुक से ही केवल आप एक्टर नहीं बन जाते हो, एक्टिंग बनने के कई सारे क्राइटेरियाज हैं। तो आप अगर फोटोग्राफ भेजते भी हैं तो वो फोटोग्राफ बहुत ही प्रोफेशनल होने चाहिए। वो जो भी फोटोग्राफ है उससे देखकर ये लगना चाहिए कि आप रियली एक्टर हैं। आप नॉर्मल, आप अपने केवल लुक के बेसिस में अगर एक्टिंग को खोजेंगे या एक्टर बनने की कोशिश करेंगे या एक्ट्रेस बनने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप ये समझते हैं कि आपके फोटोग्राफ ही से ही आप एक्टर बन सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको एक्टिंग का स्किल आना चाहिए। और आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी, हाँ ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं या मेरा लुक बहुत अच्छा नहीं है तो क्या मैं एक्टर बन सकता हूं। मैं कहता हूं कि इसमें सुंदर लुक की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि राइटर जिस तरह का कैरेक्टर अगर लिखता है, अगर जैसे मैं हूं, अगर मेरे लिए अगर कोई डॉक्टर या कोई वकील या कोई हस्बैंड इस तरह का कैरेक्टर अगर डॉक्टर ये राइटर लिखता है और उसे उस तरह का कैरेक्टर ऑलरेडी उनके दिमाग में रहता है कि इस तरह के लोग चाहिए मुझे, तब हम फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिए कि आपका अच्छा लुक या बेकार लुक या किसी भी तरह का लुक, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्टिंग या एक्टर आप में से हर आदमी बन सकता है, बशर्ते आपके अंदर एक्टिंग का वो स्किल हो। और जब भी फोटोग्राफ खिंचवाइए तो अलग अलग ड्रेस में मत खिंचवा लीजिए। आप फोटोग्राफ में ऐसा लगना चाहिए कि आप कोई एक्टर है, उस तरह के कुछ एक्सप्रेशन दीजिए। नॉर्मल फोटोग्राफ भी लीजिए विदाउट न्यूट्रल एक्सप्रेशन के, जिससे कम से कम सामने वाला जो भी डायरेक्टर है या जो कास्टिंग कर रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि आप के लुक में अगर कोई दूसरा उसमें लुक दिया जाए, जैसे अलग अलग तरह के मेकअप करने के बाद, तो क्या आप उसमें सूट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल है तो आप किसी भी तरह के कैरेक्टर को अपना सकते हैं। हाँ, जिस कैरेक्टर का लुक उनको चाहिए वो उसी तरह का लुक लेते हैं, लेकिन आपके अंदर एक्टिंग की ताकत होनी चाहिए, दम होना चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो केवल फोटोग्राफ मत भेजते रहिए, फोटोग्राफ से कुछ नहीं होता है। पहले आप सीखिए, उसके बाद आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस तरह के कैरेक्टर में आप ज्यादा अच्छे लगते हैं, उस तरह के कैरेक्टर के ऊपर, या आप जिस तरह के कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह के कैरेक्टर को ड्रेसअप करके आप फोटोग्राफ खींचिए। सोचिए, आप डॉक्टर जैसे दिखते हैं तो डॉक्टर के कोई ड्रेस अगर पहन लिए और उसके फोटोग्राफ अगर आप भेजते हैं, तो जब भी डॉक्टर की कोई रिक्वायरमेंट आएगी तब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान में रखिए, आपका अच्छा दिखना और ना दिखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर तरह के लोग इंडियन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में है। आप कोई भी फिल्म में देखिए, केवल अच्छा लुक मायने नहीं रखता है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके लुक से, आपके पोर्टफोलियो अगर अच्छा फोटोग्राफ है, तो फिर आपको कॉल आएगा ऑडिशन के लिए। फाइनली आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, उसी समय ये टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितनी अच्छी एक्टिंग आती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, ऐसा सुनते रहिए। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपकी कोई भी इंक्वायरी क्लासेस के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप में
मैसेज कीजिए नेम एज एंड प्लेस। अभी फोन करना नहीं है जब तक हम कॉल आईडी नहीं देते हैं। कॉल आईडी देने के बाद आप कॉल कर सकते हैं। कॉल आईडी हमारा एक सिस्टम का नंबर है, आपके डिटेल हम पहले सेव करते हैं, उसका एक नंबर जनरेट करते हैं, वो नंबर जब भी आप कहते हैं तो आपका डिटेल हमको सारा मिल जाता है और आपसे बात करने में आसानी होती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।